गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू विल बी फाइन। टुडे इट इज डे 11 क्लास ऑफ SST एंड टुडे वी विल स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, चैप्टर 3, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। द अर्थ लाइक ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन। जो हमारी पृथ्वी है वो भी दूसरे प्लैनेट्स की तरह, सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स की तरह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है या घूमती है। द अर्थ मूव्स इन टू डिफरेंट वेज, ये दो अलग अलग तरीकों से मूव करती है। इट रोटेट्स लाइक ए टॉप, एक तो ये टॉप की तरह रोटेट करती है, एंड ऑल्सो रिवॉल्व्स और मूव्स अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पथ, और सूर्य के चारों तरफ फिक्स्ड पथ पर चक्कर लगाती है। इट डज नॉट सीम टू अस दैट इट इज मूविंग, ये हमको दिखाई नहीं देता है कि ये मूव कर रही है। बिकॉज एवरीथिंग ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग द एयर अराउंड इट मूव्स विद इट, क्योंकि हमारे पृथ्वी पे जो सब चीजें हैं जिनमें एयर भी है वो भी सब अर्थ के साथ ही मूव करती है। ओके, दिस पिक्चर ऑफ द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, हमारी अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ अपने एक्सिस पे मूव करती है। नाउ रोटेशन ऑफ द अर्थ, द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, अपने ही एक्सिस पे स्पिनिंग मूवमेंट को हम रोटेशन कहते हैं। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कम्प्लीट वन रोटेशन, पृथ्वी को एक रोटेशन चक्र पूरा करने में 24 आवर्स लगते हैं। दिस एक्सिस इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 66.5 degrees टू द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट, जो कि ये अर्थ ऑर्बिट जो एंगल है वो 66.5 degrees की तरफ झुका हुआ होता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, रोटेशन की वजह से हमारी पृथ्वी पर डे एंड नाइट होते हैं। व्हेन द अर्थ रोटेट्स, जब पृथ्वी घूमती है, ओनली वन पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस द सन, ओनली एक पार्ट ही सन की तरफ फेस करा हुआ होता है। व्हाइल द अदर पार्ट रिमेन्स अवे, जबकि दूसरा पार्ट सन से दूर होता है। फ्रॉम द सन, द पार्ट दैट फेसेस द सन रिसीव्स सनलाइट एंड हैज डे, जिस पार्ट जो पृथ्वी का जो पार्ट सूर्य की तरफ होता है उसको सनलाइट मिलती है और वहां पे दिन होता है। व्हाइल द अदर पार्ट इज इन डार्कनेस एंड हैज नाइट, और दूसरा पार्ट जो सूर्य की तरफ नहीं होता है वहां डार्कनेस मीन्स अंधेरा होता है और वहां पर नाइट होती है। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जैसा कि पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है, द सन सीम्स टू राइज फ्रॉम द ईस्ट, इसलिए हमें सन ईस्ट की में राइज होता हुआ दिखाई देता है। दिस इज द रीजन व्हाई प्लेसेस इन द ईस्ट गेट एक्सपोज्ड द सन फर्स्ट, इसलिए जो चीजें या जो जगह है ईस्ट डायरेक्शन में होती है वो उनको पहले सूर्य की रोशनी उनको पहले मिलती है।